लेकिन आजकल वक्ता से ज्यादा तो श्रोते ही चतुर हैं, और चतुर इतने के वक्ता के कान कट जाए। चतुराई की तो पूछो मत, इंग्लैंड का आदमी बहुत चतुर, गुजरात का और। एक बार गुजरात में रहने वाले, अहमदाबाद में रहने वाले हमारा चेला चंगीलाल, बहुत ऊंचा आदमी, चंगीलाल के स्कूल में कंपटीशन हुआ, मास्टर ने कहा भाई पेंटिंग बनाओ, जो सबसे आगे पेंटिंग बनाएगा उसको कुछ गिफ्ट मिलेगा। चंगीलाल खाली कागज लेके पहुंच गया, ये पकड़िए आधुनिक पेंटिंग। मास्टर बोले इसमें तो कुछ है ही नहीं है, खाली कागज है एकदम वाइट, बाहर आगे पीछे क्या है इसमें। अरे बोले पेंटिंग देखो गौर से, सफेद कागज के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, काय की पेंटिंग है। अरे वाह आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, इसमें गाय और घास की पेंटिंग है, तो घास तो हरी होती है पर ये तो सफेद है। बोले घास तो गाय खा गई। अच्छा चलो घास अगर गाय खा गई तो गाय कहां है। बोले वाह घास खाने के बाद गाय यहां क्या करेगी, वो घर गई। आदमी भी गुजरात का था, मास्टर ने 100 नंबर देके पास कर दिया, ऐसी पेंटिंग तो आज तक बनी ही नहीं है। थैंक यू वेरी मच माई डियर, यू कैन गो, नॉट वेलकम योर। चला गया। हाँ बोलो सियावल रामचंद्र की। ये तो गुजरात का, यहाँ का नहीं, आप लोग तो अब यहाँ के हो, क्योंकि अभी 7 दिन हमें कथा करने, अगर ज्यादा बुराई करेंगे तो का उतना लपड़ा ना बिद जावे। अबे हमें साकुशल अपने घरे भी जाने भारत, इसलिए जो भी बुरा लगे सो क्षमा नहीं मांगते हम, क्षमा कर देना।